रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, आपकी हर छोटी बड़ी तकारीब के लिए मुनासिब शादी खाना। एसकेएम 91 न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मंशियात फरोख करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का इजहार ख्याल। आज हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। आज इन्होंने बंजारा हिल्स में वाकई पुलिस कमांड कंट्रोल में सीनियर ओहदेदार संदीप शांडलिया से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। वाज़ेह है नाज़रीन, माक़बल इंतखाबात में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर सीवी आनंद खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत में इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनका तबादला करते हुए संदीप शांडलिया को ये जिम्मेदारी दी और अब नए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मंशियात सप्लाई करने वाले ग्रुपों के लिए रियासत में कोई जगह नहीं है। इन्होंने पब्स, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस के मालकान को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने खबरदार किया कि मंशियात फरोख करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुझ पर एतमाद करने और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने में वजीर आला रेवंत रेड्डी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद कमिश्नरेट पे फराइज की अंजाम दही चैलेंज से भरा काम है। इन्होंने कहा कि मंशियात की वबा से सख्ती से निपटा जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में मंशियात के जराए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर फिल्म इंडस्ट्री के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद होगा। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद तफसील हमारे नुमाइंदे जहांगीर की यह खास रिपोर्ट में। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एसकेएम 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुलिस के जो फोकस एरियाज है, बेसिक पुलिसिंग एक इम्प्रूव करना है, इसको एक दूसरे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिक पुलिसिंग और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पुलिसिंग को यहाँ लाना है इस शहर में। और दूसरा, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम तो एक ये लगातार समस्या रहता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको खत्म करेंगे, कोई समस्या नहीं होंगे, लेकिन सुधार जरूर लाएंगे इसमें। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस विंग है, गवर्नमेंट अभी 30% भी उसको दे रहा है। मैं ट्रैफिक डीसीपी रह चुका हूँ, आप लोगों को मालूम है, 2.5 years आई वॉज ट्रैफिक डीसीपी, सो आई नो वॉट इट इज एंड विल ट्राई। ये जो भी है, हम थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा, लेकिन बहुत मुख्य अंश है जो मैं बात कर रहा था, ड्रग्स का जो समस्या है इस शहर में, अन्य शहर जैसे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का कोई स्थान नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का आदेश है, तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत टफ मेजर्स लेंगे और आपके इसमें आपका मदद बिल्कुल चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में भी मालूम है मीडिया का रोल बहुत रहता है, तो आपका मदद हमको चाहिए। हम मिलके इस शहर को और ब्यूटीफुल बना देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, फ्रेंडली पॉलिसिंग, मैं ये बोल रहा था, तो फ्रेंडली पॉलिसिंग का थोड़ा सा मतलब अलग हो गए, तो लोग इसको उसका मजाक उड़ाने लगे, तो ऐसा नहीं है। फ्रेंडली पुलिस, हम फ्रेंडली रहते हैं किससे, किसके साथ, जो लॉ को, जो कानून को गौरव देता है। हम किसके साथ टफ या स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कानून को तोड़ लेते हैं, तो वही होगा। और आपको मालूम है कानून तोड़ने वाले कितने रहते हैं, और इसमें कानून तोड़ के क्रिमिनल इंटेंशन से जो करने वाले कितने लोग रहते हैं, 5% क्योंकि सिटी है, अगर पूरा स्टेट को मिला है तो 2-3% से ज्यादा नहीं होता। और जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मजाक में जो कानून का उल्लंघन करने वाले, तो पूरा मिलकर 10%, 10%, 90% जो लोग लॉ फियरिंग, लॉ अबाइडिंग होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ हम बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत स्नेहपूर्वक रहेंगे, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो 10% से जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो समस्या उनके नहीं आने के लिए, उसको तकलीफ नहीं देने के लिए हम काम करेंगे, बहुत फ्रेंडली से उनसे काम करेंगे। लेकिन जो कानून को तोड़ रहे, उसके साथ तो हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, आपकी हर छोटी बड़ी तकारीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साजक शादी वलीमा, जुमागी हो या कोई गेट टुगेदर, आपके हर खुशी के मौके पर
चार चांद लगाए। रॉयल, जी हाँ नाजरीन, रॉयल अंदाज में दावतियों का इस्तकबाल करें। पुर अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब है। दो लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलग-अलग अलग-अलग लिफ्ट और पकवान के लिए किचन के तमाम सहूलियात के साथ। एक बार तशरीफ लाए रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड चिप बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 7569997978 पर।